दोस्तों मोटोरोला G5 सीरीज यूजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं G5 सीरीज में ओरियो अपडेट का, उनका इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि मोटोरोला ने ओरियो अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। ये अपडेट मोटोरोला ने ब्राजील के बाद इंडिया और मैक्सिको यूजर्स को देना शुरू कर दिया है। बट दोस्तों ये अपडेट अभी सिर्फ मोटो G5 और G5 प्लस यूजर्स को मिलना शुरू हुआ है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं मोटो का G5 और G5s प्लस, तो आप अपने डिवाइस में ओरियो अपडेट को चेक कर सकते हैं। तो आप अपने फोन की सेटिंग्स मेन्यू में जाकर, अबाउट फोन में जाकर, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों मोटोरोला की फोरम वेबसाइट यानी लेनोवो फोरम पर कुछ टाइम पहले एक सीनियर एजेंट ने ये पोस्ट किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने ये क्लियर बताया है कि मोटो G5 और G5 प्लस यूजर्स को ओरियो अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है इंडिया के अंदर। तो अगर आप यूज कर रहे हैं मोटो का G5 और G5 प्लस, तो आप अपने डिवाइस में ओरियो का अपडेट चेक कर लीजिए। बट दोस्तों इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा और भी जो डिवाइस हैं, जैसे कि मोटो G4, मोटो G4 प्लस और मोटो G5s प्लस, उनको अभी भी वेट करना होगा, क्योंकि फिलहाल उनके लिए अपडेट नहीं आया है। यहाँ पर कोई एग्जैक्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। जहाँ तक कि मुझे पता है, अगर G5 प्लस और G5s प्लस को अगर मिल गया है, तो उसके बाद बहुत ही जल्द बाकी यूजर्स को भी अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ओरियो की इस अपडेट में आपको एंड्रॉइड वर्जन 8.0 ना देकर 8.1 दिया जा रहा है, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। बट बाकी यूजर्स को इतना वेट करने के बाद और वेट करना है, ये बात थोड़ा हजम नहीं हुई है। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, मोटोरोला जब ओरियो अपडेट देना होगा तभी देगा। दोस्तों मोटोरोला की इस ओरियो अपडेट को लेकर फिर कोई अपडेट आती है तो आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सिस्टेक के साथ हमेशा बने रहें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।